डिज्नी हॉटस्टार इज क्रैशिंग। भाई साहब, एक बहुत बड़ी न्यूज मार्केट से निकल के आती है। रिसेंटली अभी डिज्नी हॉटस्टार ने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल करी, जिसमें कि यह चलता है पता कि डिज्नी हैज लॉस्ट 4.6 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स, का मतलब 46 लाख सब्सक्राइबर्स, पेड सब्सक्राइबर्स ऑफ डिज्नी हॉटस्टार इंडिया के मार्केट में डिज्नी ने लूज कर दिए हैं। अब भाई साहब, बात ऐसी है, पूरा एनालिसिस ऐसा है कि ये टाइम है आईपीएल का, और आईपीएल के टाइम पर, क्योंकि अभी तक पिछले सीजन तक आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार के पास थे, जो कि उसका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जिससे कि डिज्नी हॉटस्टार को हर साल ग्रोथ मिलती थी, राइट? अब लास्ट ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट डिज्नी हॉटस्टार का आईपीएल के साथ खत्म हो गया, और इस साल आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा, जियो टीवी ने ले लिए। अब हुआ क्या, डिज्नी हॉटस्टार का जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग था इंडिया के मार्केट से, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, प्राइमरी सोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग न्यू विजिटर्स था, हर साल डिज्नी हॉटस्टार के पास आईपीएल के टाइम पर बहुत सारे नए यूजर्स अट्रैक्ट होते थे, बहुत सारा रेवेन्यू आता था, बहुत सारी अर्निंग्स आती थी। वो सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने पहले डिज्नी हॉटस्टार को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ था, वो भी आईपीएल के टाइम पर इसके पास चले जाते थे, सब्सक्राइबर्स मिल जाते थे। अब क्योंकि इस बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ आईपीएल डिज्नी हॉटस्टार के पास से जियो के पास चले गए, तो काफी बड़ा मैसिव लॉस सफर करना पड़ा डिज्नी हॉटस्टार को। सब्सक्राइबर्स 46 लाख पेड सब्सक्राइबर्स तो डाउन हुए ही हुए, साथ में अर्निंग्स को भी काफी ज्यादा बड़ा हिट मिलने वाला है। अब यहां पर अगर बात करी जाए तो कुल मिलाकर इस सिनेरियो के दो बड़े रीजन है। पहली बात तो ये, आपको पता ही है कि भाई साहब, जो ब्रॉडकास्टिंग का मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरा ब्रॉडकास्टिंग ऑफ आईपीएल का सिनेरियो था, वो डिज्नी हॉटस्टार के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग था, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग न्यू सब्सक्राइबर्स था, जो कि चला गया। सेकेंड चीज, यहां पर इस टाइम पर जियो अपने ओटीटी को लेकर काफी ज्यादा बुलिश गेम खेलने लगा है। वैसे ही आपको पता है कि जियो जो रिलायंस बैड पूरी कंपनी है, वो उनको कंज्यूमर्स की, इंडियन कंज्यूमर्स की नब समझ में आती है, उनको पता है कि भाई साहब कंज्यूमर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। इस साल जियो ने आईपीएल के वोटिंग राइट्स खरीदकर, आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदकर सामने वाले यूजर को अपना पूरा आईपीएल फ्री में स्ट्रीम करने को तो दिया ही दिया, उसके साथ साथ डिज्नी हॉटस्टार को बहुत बड़ा लॉस कॉन्टेंट के लिए भी हुआ है, कॉन्टेंट के थ्रू भी हुआ है। कैसे? HBO एक वो कंपनी जो कि कंटेंट में सालों से है, जो कि मल्टीपल सिनेरियो चला रही है, मल्टीपल कैटेगरीज में ऑपरेट कर रही है, सामने वाले HBO ने भी अपना कंटेंट डिज्नी हॉटस्टार से शिफ्ट करके आ गए हैं जियो पर। का मतलब क्या, डिज्नी हॉटस्टार का कॉन्ट्रैक्ट HBO के साथ इस साल रिन्यू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से HBO ने अपना सारा कंटेंट शिफ्ट कर दिया है फाइनली जियो पर। और जियो तो वैसे ही अपने को OTT के पूरे प्ले को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। जियो ने 15,000 करोड़ के आसपास का फंड एलोकेशन भी करा हुआ है अपने जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, जियो सिनेमा के लिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात और है, जियो इज प्लेइंग, एज आई टोल्ड यू, वेरी बुलिश ऑन दिस मार्केट, ऑन दिस एंटायर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑन दिस एंटायर इंडस्ट्री। जियो ने 15,000 करोड़ तो भाई साहब इस मार्केट के लिए, इस कंपनी के लिए एलोकेट करे ही करे हैं, साथ साथ जियो ने 100-100 नेक्स्ट मूवीज और वेब सीरीज जो उनकी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है उनको भी अनाउंस कर दिया है कि भाई साहब हम तो ये 100 मूवीज लाने वाले हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अभी तक। और वैसे भी अभी तक तो जियो जो चल रहा था वो फ्री में चल रहा था, उनकी वही स्ट्रैटेजी है, पहले फ्री का माल दो भाई साहब, फिर बाद में पैसे लेंगे। जियो ने अभी तक फ्री के चक्कर में करीब करीब 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 60 मिलियन यूनिक विजिटर्स को अट्रैक्ट कर लिया है ये आईपीएल के टाइम पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जियो के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, जियो फ्री में माल ऑफर कर रहा है, जियो वही ब्रॉडकास्टिंग जो डिज्नी हॉटस्टार पैसे लेकर दिखा रहा था, वही ब्रॉडकास्टिंग, वही कंटेंट फ्री में ऑफर कर रहा है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, आने वाले टाइम में 100 तगड़ी मूवीज और वेब सीरीज आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर जियो की पूरी पूरी स्ट्रेटजी है कि जो इस टाइम पर मार्केट के अदर ओटीटी प्लेयर्स हैं, वी हैव Amazon Prime, वी हैव Disney Plus Hotstar, ऑल दीज अदर प्लेटफॉर्म्स, वी हैव Netflix, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सामने वाले को जियो को सबसे कॉम्पीट करके इस रेस में आगे निकलना है, जिसकी वजह से डिज्नी हॉटस्टार का मार्केट में क्रैश होना शुरू हो गया है। हॉटस्टार ने एक रिपोर्ट में अपनी एक चीज और बोला कि जो उसका फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था इस साल का और नेक्स्ट साल का भी, वो अब हिट नहीं होने वाला। सामने वाले ने एक चीज और बोली, क्योंकि मार्केट की डायनामिक्स बदल रही है, मार्केट का एनवायरमेंट बदल रहा है, मार्केट का कॉम्पिटिशन बदल रहा है, तो डिज्नी हॉटस्टार इज एक्सपेक्टिंग कि सामने वाले को भी और फर्दर लॉस देखने को मिल सकता है। वही जियो का तो भाई साहब माला माल चल ही रहा है, सामने वाले के पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, डेटाबेस बन रहा है, अभी भले फ्री में आ रहे हो बट डेटाबेस इतना तगड़ा बन रहा है, वो अपने कंटेंट को इतना मजबूत कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर कि जब
फाइनली मोनेटाइजेशन शुरू करेंगे, जब पैसा लेना शुरू करेंगे तो उनके पास बैठे बैठे उनके पास रेवेन्यू काफी बड़े लेवल पर जनरेट होगा। सेम वही चीज जो जियो में, जियो ने पहले करी थी अपने टेलीकॉम बिजनेस के साथ, पहले फ्री में बांटकर यूजर्स का एक काफी बड़ा डेटाबेस बना लिया, यूजर्स को अपने साथ जोड़ लिया। जब उनकी हैबिट बन गई कि यूजर्स को इतना मजा आने लगा जियो यूज करके, तब फाइनली जियो ने उसको मोनेटाइज करा और अब इस टाइम पर आप जानते हैं कि जियो की सक्सेस क्या है। सेम चीज जियो रिपीट कर रहा है अपने ओटीटी के साथ, जिसकी वजह से डिज्नी हॉटस्टार को काफी बड़ा लॉस होना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से वो अपने जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको भी रिन्यू नहीं कर पा रहा। कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम डिज्नी प्लस हॉटस्टार, द कंटेंट कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम डिज्नी प्लस हॉटस्टार टू जियो, जो कि अगेन एक डिज्नी के लिए काफी बड़ा लॉस है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर केस, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। आपको क्या लगता है कि इस ओटीटी की रेस में, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कैपिटल इंटेंसिव मार्केट में, अल्टीमेटली कौन जीतने वाला है, एक इंडियन कंपनी जियो जैसी कंपनी या फिर ये जितनी बाहर की कंपनीज है, वी हैव डिज्नी, वी हैव नेटफ्लिक्स, वी हैव अमेज़न प्राइम, हु इज गोइंग टू विन द अल्टीमेट रेस ऑफ ओटीटी इन इंडिया, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो।